नमस्कार, आप सबका स्वागत है। लिम्बायत में रात 12 बजे साले जीजा ने रंगीला नगर में सब्जी मार्केट के सामने एक युवक पर गुप्ती तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मरने वाले के शरीर पर 20 से अधिक वार के निशान पाए गए हैं। आरोप है कि मृतक युवक के आरोपी की पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। इसको लेकर दोनों में कई दिनों से विवाद चल रहा था। वारदात के 8 दिन पहले ही मरने वाले युवक ने आरोपी के घर जाकर उसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी ने जिस बच्ची को जन्म दिया है वह मेरी बेटी है, उस पर मेरा हक है, मुझे दे दो। इसको लेकर एक हफ्ते से झगड़ा चल रहा था। वारदात के बाद दोनों पक्ष की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। लिम्बायत में नवानगर के पास छत्रपति शिवाजी नगर में मामा के घर रहने वाले नीलेश उर्फ गोलू शिवाजी चौधरी के रतन चौक में अभिषेक अपार्टमेंट निवासी वैभव संजय गांडेकर की पत्नी पार्वती उर्फ नीलम के साथ अनैतिक संबंध थे। इसको लेकर एक साल से नीलम के पति नीलेश के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि नीलेश वैभव की गैर मौजूदगी में पार्वती से मिलने जाता था। 8 दिन पहले नीलेश वैभव की गैर हाजिरी में उसके घर गया था। तभी वैभव घर आ गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान नीलेश ने वैभव से कहा कि तुम्हारी पत्नी ने जिस बेटी को जन्म दिया है वह मेरी है और उस पर मेरा हक है, बेटी को मुझे दे दो। विवाद के बाद नीलेश वहां से चला गया। पार्वती उर्फ नीलम के साथ 4 साल पहले वैभव ने लव मैरिज किया था। नीलेश उससे पहले से वैभव का मित्र था। वैभव ड्राइविंग की नौकरी करता है। नीलेश के मामा गजेंद्र जो GRD है, उन्होंने वैभव और हितेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। वैभव ने मृतक नीलेश और घायल समाधान गावटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 2 दिन पहले नीलेश के मामा गजेंद्र को वैभव रास्ते में मिला। तब उसने गजेंद्र को कहा कि नीलेश को समझा दे। उसके बाद शनिवार की रात लगभग 12 बजे नीलेश और उसका दोस्त समाधान गावटी रंगीला नगर सब्जी मार्केट से गुजर रहा था। वहीं पर वैभव और उसका साला हितेश सोरते भी आ गए। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक दूसरे पर तलवार गुप्ती से हमले के दौरान नीलेश को सिर में, कान के पास, गर्दन पर, छाती, हाथ पर 30 से ज्यादा बार के निशान थे। पुलिस के मुताबिक नीलेश की मौके पर मौत हो गई, जबकि वैभव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वैभव को समीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।